तो चलिए स्टूडेंट आज आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि बहुत से बच्चे इससे परेशान हैं और दिक्कत आपको आती है जब आपको सर्टिफिकेट ईशू हो जाता है ठीक है तो बहुत से बच्चों के सर्टिफिकेट में जो है करेक्शन की दिक्कत आ रही है उनकी या तो फोटो जो है या तो लगी नहीं है या फ़ोटो उसकी उनकी लगी है तो तिरछी लगी हुई है ठीक है या फिर उल्टी लगी हुई है इस प्रकार से या कुछ भी प्रकार की मिस्टेक है आपके सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट ईशू हो चुका है या नहीं भी यूश हुआ है तो आप कैसे उसमें करेक्शन करवा सकते हैं या फिर कोई आपकी कोई स्पेलिंग हो आपके नाम की स्पेलिंग आगे पीछे हो गई हो ठीक है या फिर आपके फादर के नेम की स्पेलिंग आगे पीछे हो गई हो ठीक है या फिर आपके मदर नेम ठीक है तो ये तीन चीज़ यहाँ पे बेसिकली जो होते हैं करेक्शन के लिए सही होने के लिए जाते हैं ठीक है या फिर फोटो ये तो यहाँ पर एक दो तीन एक चार चीज़ है जो आप करेक्शन इसमें करवा सकते हैं बाकी जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो अलग केस हैं वो इसमें आपका शो नहीं होता है उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा तो मान लीजिए आपको जुलाई में आपका जो भी एग्ज़ाम आपने दिया था सर्टिफिकेट आपको मिल गया होगा जनवरी में 2023 में तो जो सर्टिफिकेट आपको मिला उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक है यानी कि आपका नाम की स्पेलिंग गलत है या फादर नेम की स्पेलिंग गलत है या मदर नेम या फिर फ़ोटो उल्टी लगी है तो उसको कैसे आप करेक्शन करवा सकते हैं ठीक है तो उसका जो प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में तो आपको टाइप करना है यहाँ पे इसका लिंक जो है फॉर्म जितने भी ये फॉर्म जो दिए गए हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे मैंने आपको दिए हुए हैं ठीक है सबसे पहले नोटिफिकेशन वाला कॉलम है तो इसको ही हम डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें आएंगे चेंजेस इन फाइनल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे ठीक है ये आपको कहाँ मिलेगा पेज नंबर फाइव पे देखिए ऑप्शन मिलेगा ठीक है नीचे आएंगे सबसे पेज नंबर फाइव में आएगा चेंजेस इन फाइनल सर्टिफिकेट यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको इशू हो चुका है उसमें कैसे चेंजमेंट होगा तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनी चेंज चेंजमेंट आपका जो भी चेंजेस है या मॉडिफिकेशन आपके फाइनल सर्टिफिकेट uh, में इशू होगा कैंडिडेट ही ऑब्लिक्स अप्लाई टू समी प्रिस्क्राइब परफॉर्मर नंबर फोर ठीक है एनेक्शियर नंबर फोर आपको जो है अप्लाई करना है इसमें भी आपको दिखा देंगे कहाँ पे है अलोंग विथ फाइव नाइन्टी के साथ, यानी कि नंबर पे चलते हैं और ये, आपका, फोर पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको पांच सौ नब्बे पेमेंट जो होगी थ्रू ऑनलाइन मोड ऑप्शन से ठीक है? पेमेंट अभी कहां करनी है आपको दिखा देते हैं और क्या क्या इसमें चेंजमेंट होगा वो देख लीजिए नेम ऑफ कैंडिडेट आपका चेंज हो सकता है जो जैसे मैंने आपको चार चीजें बताई हैं ठीक है तो इसमें बेसिकली तीन ऑप्शन दिए गए तो यही तीन चीज़ें आपकी जो चेंज होंगी नेम ऑफ द कैंडिडेट में कोई आगे पीछे मिस्टेक हो गई हो या डबल 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 अल्फाबेट ऐड हो गया हो ठीक है या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम ठीक है तो ये है तीन चीज़ें आपकी चेंजमेंट हो जाएंगी आपके फाइनल सर्टिफिकेट में और ये है अनेक्शिया नंबर फोर जो कि आप चेंजमेंट करवा सकते हैं अपने सर्टिफिकेट में ठीक है हाँ अगर फोटो का केस है तो फोटो केस के लिए फिर आपको दूसरा चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा तो ये फॉर्म आपको देखिए जब आपको करेक्शन करवाना है सर्टिफिकेट में तो आपको क्या करें सिंपल सा अनेक्शन नंबर फोर खाली डाउनलोड करें ये वाला ठीक है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिखना है आपका ओ ए बी जो भी है वहाँ अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया यहाँ पे ठीक है उसके बाद जो आएगा आपका यहाँ पे नेम ऑफ द फादर जो भी आपका फादर नेम है जो आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होकर आया वो लिखें एग्जिस्टिंग वाला और जो करेक्शन करना है जो सही वाला है वो यहाँ लिखे ठीक है यहाँ पर रॉन्ग वाला लिखें और सेम वही अगर फादर नेम में मिस्टेक है तो यहाँ पे अपना जो गलत वाला है वो लिखें जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है और जो सही करवाना है वो वाला यहाँ लिखें सेम यही प्रोसीजर आपको इसमें भी करना है ठीक है पेमेंट आपकी लगेगी इसमें पाँच सौ नब्बे रुपये विद जी के साथ और इसको पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन माध्यम से ठीक है इस फॉर्म को आपको करना है प्रिंट ठीक है और यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट विद कोर्स नेम यहाँ पे अपना नाम और कोर्स लिख दें ओ लेवल ठीक है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें डिटेल टू बी चेंज ऑब्लिक अपडेट जो भी डिटेल है वो आपके यहाँ पे लिखी जाएगी फ़ीस कितनी है आपकी पाँच सौ नब्बे उसकी डेट को आपकी यहाँ पे करेक्शन ट्रांजेक्शन आपने किया वो डेट डाल दें यू टी आर नंबर हो और जिस अकाउंट होल्डर का नाम हो वो यहाँ पर लिख दें जिस अकाउंट से आपने पेमेंट ट्रांसफ़र की हो और पाँच सौ नब्बे रुपये जो पेमेंट आपको करनी है वो कहाँ करनी है इस अकाउंट नंबर पे आप यू से इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से नलेट को पे करके उसका स्क्रीन ले लें यानी कि रिसिप्ट जो आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर भेजनी रहेगी ठीक है तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर अब देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है आल्सो बैंक स्टेटमेंट शोइंग ऑनलाइन पेमेंट यानी कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी इसमें लगाना है एप्लीकेशन के साथ और प्लीज़ अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रेवलेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ठीक है जो यहाँ पे दिखे दिए गए हैं और फिर आपको करना क्या है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है और साथ ही इस पे आपको मेल भी करना है आर ई जी एन एट द रेट डॉट जी ओ वी डॉट इन इस पर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ठीक है तो फिलहाल आपको यहाँ पे सेंड करना है अभी कहाँ भेजना है वो भी आपको दिखा देंगे तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे इसमें यहाँ पर दिया गया इंस्ट्रक्शन में समझ लेते हैं सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए तो आ, आपका अगर नेम गलत हुआ है या फादर नेम या मदर नेम तो उसमें आप डॉक्यूमेंट लगेंगे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि टेंथ की या टेंथ की बेसिकली लगती है क्योंकि आपका नाम उसी से होगा तो हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी लगेगी अगर उसमें गलत है तो पहले आपको उसको सही कराना पड़ेगा तभी आपका आगे के सारे डॉक्यूमेंट सही किए जाएंगे ठीक है अगर आपका हाई स्कूल वाले में ठीक है और सर्टिफिकेट में गलत हो गया तो फिर आपका सही हो जाएगा इसी के बिहार पे इसको इसका प्रिंट आउट ले लें और अपना साइन खुद कर दें सेल्फ कर दें ठीक है अटैचमेंट लिख दें यस ठीक है एफिडेविट यहाँ पे वॉन इन बिफोर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो कोई या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट हो ठीक है कमिश्नर हो ठीक है या फिर सब डिवीज़न तो किसी भी एक अधिकारी का यहाँ पर यहाँ पे, पे जितने सारे नाम दिए गए कोई भी आपको मिल जाए किसी भी स्तर पर ठीक है सब डिवीज़न हो या फिर ऑफिसियल तहसीलदार कोई भी आपको ये अधिकारी मिल जाए उनके पास आपको जाना है और उस लेटर में आपको लिखवा के जो भी आपका करेक्शन है ठीक है आपका नालेट के माध्यम से जो भी आपको करेक्शन कराना है वो उसमें लिखवाना है टाइपिंग वाला नहीं चलेगा एन वाला नहीं चलेगा जो आप देखते होंगे कि आर के बाहर या कुछ वकील लोग जो होते हैं वो टाइप करके आपको देते हैं वो वाला नहीं चलेगा ठीक है नोटरी वाला नहीं चलेगा आपको इन अधिकारियों के पास जाके एप्लीकेशन लिखवाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ई शुड बाइड नालेट औरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी भी एक ओरिजिनल कॉपी आपकी वहाँ लगेगी ठीक है तो तीन डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन आपका हाई स्कूल का और एक ऑफिसर का लेटर और एक आपका नाइलेट का सर्टिफिकेट तीनों पे यस करके यहाँ पे टिक करके आपको लिफाफे में रख के और फाइव हंड्रेड की पेमेंट करके आपको सेंड कर देना ठीक है अगर ये तीन चीज़ें अगर आपके सर्टिफिकेट में मिस्टेक हुई हैं तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर तो यहाँ पे आपको आ, सेंड करना है इस एड्रेस पर और मेल भी कर सकते हैं अगर मेल करना चाहते हैं तो आप करेक्शन के लिए बेसिकली देख ले मैं आपको दिखा देता हूँ दो ही हैं बेसिकली नंबर दोनों पे ही आप मेल कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एक आपका सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट है और एक रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ से ये सारा रजिस्ट्रेशन आपका होता है तो दोनों पे ही वो जो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया उसको स्कैन करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस है या तो आप इस पर मेल कर दीजिए एक और एक आर ई जी एन इस दोनों पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिए गए हैं अन एक्सर फोर वाला जो है आपका ये भर के आप जब आप प्रेंट करेंगे तो इसको भेज दीजिए ठीक है और कुछ नहीं करना है आपका बाकी जो करेक्शन है मेरे मान से ट्वेंटी डेज या थर्टी डेज़ में आपका जो करेक्शन हो जाएगा फिर आपका न्यू सर्टिफिकेट फिर से आ जाएगा करेक्शन होने के बाद आप यहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट डॉट नाले डॉट जी ओ डॉट इन पर डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आपको मैं पहले किया था ठीक है तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर आपका चेंज कराने का अब इसी में देख लेते हैं अगर फोटो में अगर आपका करेक्शन है तो कैसे होगा तो देखिए फोटो में अगर करेक्शन है तो वो फाइनल सर्टिफिकेट में नहीं आता है वो आपका रजिस्ट्रेशन का देखिए केस है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अवेलेबल होगा ठीक है तो देखिए फोटो वाला जो है टेबल नंबर तीन में है ठीक है टेबल नंबर तीन में आकर देखेंगे फोटो करेक्शन का है यहाँ पे और इसके लिए जो हमको फॉर्म अप्लाई करना है फोटो के लिए जो हमको पेमेंट करनी है वो तीन सौ चौवन रुपये है ठीक है और इसमें जो आपको फॉर्म भरना है एनेक्शिया नंबर तीन नंबर तीन वाला डाउनलोड कर लेते हैं तो देखिए अनेक्शिया नंबर जो तीन वाला फॉर्म है इसमें आपको फोटो करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है और इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे फोटो अगर आपके सर्टिफिकेट में गड़बड़ हुई है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास या सॉफ्ट कॉपी ऑफ़ भी कैंडिडेट फ़ोटो आपकी लगेगी फिर जे फॉर्मेट में जो कि रजिस्टर्ड ई के साथ होनी चाहिए ठीक है तो ये है देखिए नेक्स्ट नंबर तीन इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो वाला तो यहाँ पे आपको जो चेंज कराना है वो यहाँ पे आप टिक कर दें और लिख दें आगे करेक्शन वाला सेम वही प्रोसीजर है भरने का भी टोटल फीस लगेगी तीन सौ चौवन अगर आपको फोटो चेंजमेंट करानी है ठीक है और सेम वही है यहाँ पे सब भेजना है आपको ठीक है बाकी वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी है तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर आपका करेक्शन के लिए फाइनल सर्टिफिकेट में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ये हमारे यहाँ से प्रोसेस नहीं होगा ये आपको सेल्फ प्रोसेस करना होगा क्योंकि इसमें सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं ठीक है तो ये आपको करना अपने ही एंड से होगा